ये क्या है भाई? यार भाई एक बात तो बताओ, इस तरह के कपड़े पहन के जब तुम बाहर निकलते हो तो क्या तुम पे कुत्ते नहीं भौंकते? बैठने का तरीका भी बड़ा कैजुअल है। मुझे पता है सोच रहे होंगे ये वॉश। दोस्तों आज हम बदला ब्रदर का एक वीडियो देख रहे हैं, इसका टाइटल है मोस्ट रिचेस्ट वेडिंग एंड रिचेस्ट खुसरे। देखते हैं भाई इसमें थंबनेल में तो अभी अंबानीज की जो वेडिंग चल रही है उसके भी फोटोज है और भी कुछ टिकटॉकर्स के फोटोज है, तो देखते हैं भाई सबको रोस्ट मारा है लगता है इन्होंने साथ में। तो एंड तक आप लोग बने रहना, शुरू करते हैं अभी को। गो बाजी, तुम्हारा मुंह ज्यादा बड़ा है या मेरा बड़ा है? अरे ज़ैनब बदतमीज, चुप, मामा का ज्यादा बड़ा है। राबिया बाजी ने क्या कह दिया? मेरी ब्यूटी बारे की क्या ही औतरियो, जयू पड़े मरो। गिर गई। ये कैसे गिर गई भाई, कैसे गिरी? समझ ही नहीं आया मुझे कैसे गिरी। खड़े खड़े गिर गई। ये क्या है भाई? यार भाई एक बात तो बताओ, इस तरह के कपड़े पहन के जब तुम बाहर निकलते हो तो क्या तुम पे कुत्ते नहीं भौंकते? बैठने का तरीका भी बड़ा कैजुअल है। मुझे पता है सोच रहे होंगे ये वॉशरूम किसके लिए बनाया गया है। अरे भाई आप खुद समझदार हो, ऑफ कोर्स कबूतर के लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि वो हर चीज खुलेआम करते हैं। मेकअप यस मेरी जान, आपके बाप की कमाई से नहीं लिया ना? हाँ बिल्कुल, किसी के बाप की कमाई से नहीं लिया, मुजरे की कमाई से लिया। बात तो सही है। पेंडुओं के पेडिस्टल फैन, अगर तू अपनी कमाई से टट्टी खा रहा होता तो फिर भी यही कहता कि तुम्हारे बाप की कमाई से तो ना खा रहा। आपके बल्कि अब्बू की कमाई की जो होगी ना महीने की, उससे भी ज्यादा महंगा है। तो कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा के अगले बंदे को तू कौन है? मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा। चाहे अगला बंदा इस जैसे 10 खुसरे रोज पेंड में नचाता हो। ऐसे नहीं कि मैं अपनी तरफ से ही बात कर रहा हूँ, खुद इनके मुंह से इनका रेट चेक कर ले। 1.5 मिलियन चार्ज करूंगा, जहाँ मर्जी शादी आपकी पाकिस्तान में है या दुबई में है, तो मैं जरूर आ जाऊंगा 15 मिनट के लिए, नो प्रॉब्लम। यार जा जोर जा। रेट चेक किया 15 मिनट का 15 लाख। अबे खिलौनों की दुकान से तेरे जैसे 15 कौन बुलाएगा भाई इसको? हाँ। आ जाएंगे। दोस्तों रेट का अंदाजा लगा के पॉइंट को समझो कि खुसरों की डिमांड बहुत ज्यादा, इसी वजह से सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। लाना तो तुम्हारी ऐसी बिरयानी गुलाबी, ये कौन सी बिरयानी है भाई? बारबी बिरयानी भाई। आंटी ने बिरयानी का सब कुछ पिंक बनाया, पिंक पिंक पिंक। तो एक बात बताओ, जब ये बिरयानी खा के निकलेगी ही, तब भी पिंक होगी या उसको बाद में पिंक कलर करोगी? खैर जब ये बिरयानी बन गई तो मेहमानों ने क्या कहा? ये क्या बनाया बेटी? ये तो टट्टी है, मासूमियत नहीं है आप। भाई एक बार मैं वेज पुलाव को बिरयानी मान सकता हूँ, लेकिन ये पिंक को कैसे मानूं मैं? ये बिरयानी को पिंक कैसे करा होगा इन्होंने यार? पिंक कलर भी आता है मतलब खाने वाला? पता नहीं क्या करा भाई उन्होंने, बाकी मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, हजम नहीं कर पा रहा। बहुत गंदा लग रहा है कसम से। बिल्कुल, चलो आगे देखते हैं। आंटी, अच्छा ये लोग, ये पता किस तरह के लोग हैं, ये इसलिए इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि शायद हमारे आंटी बोलने से ना ये डीमोटिवेट हो जाएगी और या फिर कहेगी यार अब नहीं मेरे वीडियो बनाने। ऐसा कब का? नहीं 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 ऐसी बात नहीं, लोगों को पता है आप मुतमईन बगैर तो आप नहीं बाज आते। लेकिन मजे की बात, उस बंदे ने कमेंट किया आप में मासूमियत नहीं, मगर इस आंटी ने फोकस किया आंटी पे, क्योंकि ये मासूम है ही नहीं, मासूम होते तो टिकटॉक पे होते। ये तो धोती खोल रहा। वैसे मुझे ये मिनाहिल मलिक का वड्डा वर्जन क्यों लग रही? तो लगा मिनाहिल मलिक से याद आया, वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो चुकी है। ओ बाजी आपका टेड नजर आ रहा है और शर्म नजर ही नहीं आ रही। दोस्तों पिछले 3 दिनों से मेरा दिमाग खराब हो गया, इंस्टाग्राम पे हर दूसरी पोस्ट अंबानी के मुंडे की शादी। कोई कह रहा 1000 करोड़ खर्च कर दिया, कोई कह रहा 2000 करोड़ खर्च कर दिया। भाई अगर अंबानी पाकिस्तान में होता ना तो उसने बिजली और गैस के बिल दे दे के गरीब हो जाना था। ये एक सिंगर है जिसने 75 करोड़ रुपया लिया है, इसका नाम है रेहाना। अगर ये सिंगर पाकिस्तान में होती तो इसका नाम होना था बाजी रेहाना। हमारे यहाँ मोहल्ले की आंटियों ने इस तरह काने के पीछे दुपट्टा लपेटा होता है। अमीर लोग लड़कियों को बुला के अपने फंक्शंस पे नचाते हैं, लेकिन लोग फिर भी चीप और वल्गर कहते हैं। और अमीर तरीन लोग महंगी लड़कियों को बुला के नचाते हैं, लेकिन लोग इसको फन एंटरटेनमेंट। ये तो नोटिस किया है मैंने। इंडिया वाले कहते थे क्या बॉलीवुड में तीनों खान कभी इकट्ठे नजर आ सकते हैं? क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? लेकिन अंबानी ने तीनों खानों को बुला के, यहाँ पर भाई मैं कहना चाहूंगा कि वो शाहरुख खान मूवीज की बात कर रहा है, मूवीज में तीनों को लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मूवीज के लिए भाई एक बंदा 100-100 करोड़ लेता है,
मतलब तीन खान के 300 करोड़ तो यूं ही फीस ही हो गई और उसके उस। बाद अगर आप इन तीनों को लेके बना रहे हो मूवी तो 300 करोड़ का बजट तो रखना पड़ेगा, 600 करोड़ की मूवीज तो मूवी तो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगी। बनाना ही पड़ेगी तो 600 करोड़ फिर मूवी को निकालने में पसीने आ जाएंगे भाई, बिल्कुल तो कैसे मूवी निकालेंगे। मुश्किल है भाई, लेकिन हाँ ये इस तरह से लाना पॉसिबल है क्योंकि इसमें कम खर्चे में आ जाते सेलिब्रिटीज। चलो आगे देखते हैं। चल छैया छैया, जिन बॉलीवुड के स्टारों को देखने के लिए लोग लाइनों में खड़े होते थे उन्हीं बड़े बड़े स्टारों को अंबानी ने पुंजे बिठा दिए। अबे यार ये रोटी कब खुलेगी? जल्दी खुल जाएगी। मुझे लगता है सारे मुझे ही देख रहे होंगे, ऑफ कोर्स मैं लगता ही इतनी प्यारी हूँ। अब मेन बात मैं यहाँ पे करने लगा हूँ जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक छेड़ा। सज्जल अली की बहन सबूर अली को किसी ने बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे सबूर, मे यू इनहेरिट अंबानीज फॉर्च्यून, यानी मेरी दुआ है कि आपको अंबानी जैसी किस्मत विरासत में मिले। और ये बाजी आगे से अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। हाय हाय, मैं तो बंदर कितना शर्मा गई। आप इमेजिन करो ये हमारा आजकल कॉन्सेप्ट है भाई, क्या दौलत खुशकिस्मती की अलामत है? एक मुस्लिम खातून कह रही है कि काश उसकी किस्मत गैर मुस्लिम जैसी होती। रोज मंदिर आवे, अरे वाह, बाय बहुत पिला रही थी। अरे मिसिस अंबानी ये कैसा हाथ मिला है, ये तो आपने उसको दूर फिटे मुँह कहा है। तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। ए, पूरी दे दूर से। प्री वेडिंग फंक्शन हो सकता है डॉक्टर ने मना किया हो, सकता है उस गरीब के हाथों में वायरस लगा हो और आंटी मर जाती। इतना खौफ, वैसे मुझे नहीं लगता उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। 200 साल जी लो फिर भी मरना तो है। ये वो वाहिद हकीकत है जिस पे कोई डिबेट नहीं, और इसके बरक्स बाजी सबूर आपके पास है हमेशा की जिंदगी की चॉइस, और आप ये कह रही है कि काश आपके पास ये डरपोकों वाली जिंदगी होती। इस अकल की अंधी ने ये नहीं देखा कि मैं किस चीज पे आमीन कह रही हूँ। अंबानी के पास दुनिया की हर चीज अवेलेबल है, लेकिन बाजी जो आपके पास है ना अंबानी की सारी दौलत उसका एक कतरा भी नहीं। असल में उस चीज की आपको वैल्यू का नहीं ना पता, वो पैदा होते ही आपको प्लेट में मिल गई थी। आपके पास पूरा समुंदर है और अंबानी की कुल जायदाद उस समुंदर का एक कतरा भी नहीं। आप खुद सोचो बगैर मौत वाली हमेशा की जिंदगी यानी समुंदर छोड़ के कतरा कौन मांगता है। जी हाँ, हम भी अगर अपनी तरफ नजर दौड़ाए ना तो समुंदर छोड़ के एक कतरे के पीछे ही लगे हुए हैं। बस 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 बस, ज्यादा भावनाओं में बह जाता हूँ, मुझे लगता है मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए। ये कौन है भाई? क्या है? खुश रहे, क्या है, क्यों है ये? हाँ, ओ मोटे चोड़े भी वेखे, मैं मुंडियां नू जनाने ते उना दे मुजरे भी वेखे, मैं इस दुनिया से छूटी जाता। पाकिस्तान में इनकी तादाद ज्यादा है क्या? मर्द, हाँ यार, मर्द ना ना कहो, नहीं नहीं देखने को मिलते हैं, गाली मानी जाती थी। और इन लौंडों को लोग खुसरा हिजड़ा जनाना पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन इनको फर्क ही नहीं पड़ता, ट्रेंड बन चुका है अब तो। मुझे पता है दोस्तों कुछ लोग सोचते होंगे कि यार क्या तुमने हर वक्त खुसरे खुसरे लगाया होता है। भाई पॉइंट को समझो, खुसरे को खुसरा कहना गाली नहीं है। हाँ, लेकिन जो जानबूझ के खुसरों वाली हरकतें करे उसके लिए खुसरा गाली हुई है। जिस तरह औरत को औरत कहना गाली नहीं, लेकिन अगर किसी मर्द को औरत कह दो तो ये उसके लिए गाली है। भाई मैं उनकी बात नहीं करता जो नेचुरली ट्रांसजेंडर है यानी ख्वाजा सरा है और अपनी जिंदगी इज्जतदार तरीके से गुजार रहे हैं, मैं तो उन बेगैरतों की बात करता हूँ जो मुआशरे में गलत ट्रेंड फैला रहे हैं। फिर चाहे औरत करे चाहे मर्द करे चाहे मिक्सचर करे, अरे भाई बेगैरती को बेगैरती कहने वाले क्यों कम होते जा रहे हैं? क्या बात, ये बात بعد ما عملت الاكل وتعبت بعمل هذا الشاي क्या बोल रहे हैं? वीडियो ही मैंने सोचा ओए ओए है ये तो पाकिस्तानी ड्रामा लेकिन ये अरबी बोल रही है। फिर मैं समझा पाकिस्तानी ड्रामा अरबी में ट्रांसलेट किया है, लेकिन जैसे ही मैंने कमेंट्स खोले पहला ही कमेंट था आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अफसोस हुआ, मेरा जहन फौरन क्लिक किया कि वो ये तो वही हलवे वाले ड्रेस की वजह से ही है। लेकिन क्या दोस्तों ऐसा नहीं कि हम चंद मखसूस जाहिलों की वजह से इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं? इन जाहिलों की वजह से फिर लोगों को मौका मिल जाता है इस्लाम के खिलाफ बात करने का। इन जाहिलों को दफना देना चाहिए, वायरल ही नहीं करना चाहिए, ना कि इस वाक्य को शो में बुला के उसकी चुमियां ली जाए। कहीं कहीं पे पता नहीं क्यों मुझे ही शायद नजर आता हो कि ये नफरत जाहिलों के खिलाफ नहीं शायद इस्लाम के खिलाफ है। आप खुद देख लो, सही चीजों को हौसला अफजाई नहीं मिलती, गलत चीजें ही वायरल होती हैं। जानबूझ के इस वाक्य को इतना फैला रहे हैं हम, इसका क्या मकसद समझें? अब कुछ चीजें दोस्तों आप बड़े हो गए हो, खुद समझा करो। सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे समझाने बैठा ना तो बाहर डाले आ जाने हैं, इसलिए आज के लिए सिर्फ मैं। वीडियो इधर ही एंड होता है, जाते जाते इन्होंने अच्छा मैसेज दिया है। बेसिकली बदला ब्रदर की ये चीज़ अच्छी लगती है कि अपने वीडियो के थ्रू वो मीम्स के जरिए या कॉमेडी के जरिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भी दे जाते हैं। बिल्कुल, जैसे सबूर अली वाले स्टोरी पे उन्होंने दिया
कि भाई ये दुनिया तो कुछ भी नहीं, असल जिंदगी तो आखिरत की है। तो इस तरह की चीजें बोल जाते हैं जो कि अच्छी चीज है। और आज की दुनिया में यार जो भी हो यही हो चुका है कि लोग दुनिया में दुनिया की फैसिलिटी, हर फैसिलिटी चाहते हैं और अपने आखिरत की तैयारी ना के बराबर है। बिल्कुल। तो वीडियो इन्होंने अच्छा वीडियो बनाया, अच्छा मैसेज दिया है। और जैसे वो खुसरा वाली बात पे भी उन्होंने एक क्लियरिटी दे दी क्लेरिफिकेशन दिया कि कि मतलब वो गाली नहीं देते हैं, मतलब खुसरो को खुसरा बोलना गाली नहीं है। वो जो ख्वाजा सरा हैं, जो वो इज्जत से उनकी ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, कोई दिक्कत उसमें वो नहीं है। लेकिन जो नहीं है और वो वैसी हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए वो गाली है। ये बस अटेंशन पाने के लिए कर ये रहे हैं बिल्कुल, ये यार। अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगी बिल्कुल। और बाकी के मीम्स पे जो हंसना था हंस लिया हमने, जो बोलना था बोल दिया हमने, आपने वीडियो देख ही लिया। आप बताना आपका आज का रिएक्शन कैसा लगा। चले गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल टिल देन देन मेक मेक लव लव नॉट नॉट वॉर।